Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये होगा मल्हार सरकार का आखिरी फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मल्हार सरकार के आगे पूरी कहानी आ चुकी है, पूरा केस आ चुका है कि कैसे अहिल्या देवी के साथ अन्याय किया है गौतमा ने, कैसे उनकी परमिशन के बिना ही उनके बेटे की शादी तक तय कर दी है गौतमा ने। तो ये सारी चीजें सामने है, अब आखिरी फैसले की घड़ी है जो हमने कमिंग अप में देखा। चलिए उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं, चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने देखा एक सीन जिसमें खंडेराव गुस्से में वाड़े के अंदर दाखिल होते हैं, अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहीं पे अहिल्या बाहर आती है और वहीं पे मल्हार सरकार कॉरिडोर से खंडेराव को देखते हैं, फिर अहिल्या को देखते हैं। आंखों आंखों में कुछ बात होती है, उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखा। उसके बाद हमें आराम से बैठे हुए अपने गद्दी पे मल्हार सरकार दिखे और बाकी लोग वहां पे दिखे और अहिल्या देवी वहां पे नहीं थी और वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं। चलिए इस पे बात करते करते ये भी हम लोग ये भी बात करते हैं कि क्या होगा मल्हार सरकार का आखिरी फैसला, क्योंकि वहां पे अहिल्या देवी तो नहीं है जिसके बात होने वाली है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है मल्हार सरकार के हिसाब से। अब जैसे पहले भी हमने बात किया कि अहिल्या देवी ये पूरे मामले को एक न्याय की दृष्टि से देखेगी, और जब गौतमा और द्वारिका से मल्हार सरकार गुस्सा कर रहे थे, उनको डांट रहे थे, तभी उन्होंने गौतमा को कहा था कि क्या खंडेराव ने अहिल्या से ये बात पूछी, उससे अनुमति ली, तो गौतमा के पास जवाब नहीं था। तो अब यही चीज होगी दोस्तों, मल्हार सरकार जब अहिल्या देवी से बात करेंगे वो न्याय का पक्ष रखेगी और वो कहेगी कि इसमें इस परिवार की कोई गलती नहीं है और वो किसी भी पिता का सर झुकने नहीं दे सकती है। गलती हमारे परिवार से हुई है तो हम इसके लिए दूसरे को हम सजा नहीं दे सकते हैं, किसी लड़की के जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपस में होगी मल्हार सरकार और अहिल्या देवी के बीच में, और जब अहिल्या देवी की एब्सेंस में मल्हार सरकार फैसला सुनाने वाले होंगे और कहेंगे कि ये मेरा आखिरी फैसला है, तो वो ये फैसला करने के लिए अहिल्या देवी को ही बुलाएंगे। ये अहिल्या देवी का ही हक है कि वो इसके ऊपर अपना निर्णय दे कि करनी है या नहीं करनी है शादी। तो ये मुझे लगता है दोस्तों, मेरा अनुमान है कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने गौतमा से कहा कि क्या अनुमति ली थी अहिल्या से, तो अब क्या अहिल्या की अनुमति के बिना या फिर अहिल्या को पूछे बिना जो भी है मल्हार सरकार कोई फैसला लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, वो वही फैसला लेंगे जिसमें अहिल्या की सहमति हो, और वो सहमति है जो खंडेराव और पार्वती की शादी, और ये बात वो अहिल्या देवी से ही कहलवाएंगे। हाँ, रिवॉर्ड में, इनाम में या दरबार में कुछ करने के लिए अहिल्या को और औहदा देते हैं या नहीं देते हैं या क्या करते हैं, वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। टिल देन कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।